देश का बजट तैयार हो रहा है। इस दौरान बजट तैयार करने वाले कर्मचारियों को अपने घर जाने की भी अनुमति नहीं होती है। वो ना तो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बजट से जुड़ा डेटा लीक ना हो। लेकिन अब खबर ये है कि वित्त मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश हुई है। खबर है कि वित्त मंत्रालय में काम करने वाले एक शख्स को जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। 18 जनवरी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पैसों के बदले दूसरे देशों को मंत्रालय से जुड़ी जानकारी देता था। ऐसी जानकारी जो भारत के लिहाज से संवेदनशील है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी का नाम सुमित है। वो वित्त मंत्रालय में संविदा कर्मचारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि हमें पता चला है कि सुमित जासूसी गतिविधियों में शामिल था। वो काफी समय से अपने सहयोगियों को संवेदनशील जानकारी लीक कर रहा था। वो 1-2 साल से मंत्रालय में काम कर रहा है। धीरे धीरे उसने कनेक्शन बनाए और अपने सहयोगियों की जानकारी लीक की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3 और 9 के तहत मामला दर्ज किया है। हम अपने दर्शकों को यहाँ ये भी बता देना चाहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आखिर होता क्या है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 सरकारी कर्मचारियों और सामान्य नागरिकों पर भी लागू होता है। ये कानून राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी के मुद्दों पर अधिकारियों द्वारा सूचना को गोपनीय रखने के लिए लाया गया था। कानून के तहत जो भी शख्स जासूसी या देशद्रोह वाली गतिविधियों में शामिल होगा या कोई ऐसा काम करेगा जो देश की अस्मिता को चोट पहुंचाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कैसे पकड़ा गया, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। पुलिस के अनुसार उन्हें गुप्त जानकारी मिली थी कि एक कर्मचारी पैसे के लिए सीक्रेट जानकारी लीक कर रहा था। धीरे धीरे लीड डेवलप की गई, सुमित की पहचान कर ली गई। जांच में सुमित के पास एक मोबाइल फोन मिला है, उसमें सहयोगियों के साथ साझा किए गए दस्तावेज भी मिले हैं। तो आपने देखा कि आरोपी की कैसे गिरफ्तारी हुई और कैसे वो पकड़ा गया। आपको बता दें कि बजट से जुड़ी जानकारी अगर बाहर लीक होती है तो इससे हमारे देश को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन चौकन्ने अधिकारियों ने इस नापाक इरादे को नाकाम कर दिया और हमारा जो डेटा बाहर लीक हो रहा था उसे अब रोक दिया गया है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें जरूर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।